नमस्कार, प्रकाशक के मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ गई हैं सुधा आदेश जी, पूनम अहमद जी, संजीव जायसवाल जी, विनीता राहुरीकर जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आदरणीय विद्या बिंदु सिंह जी भी हमारे साथ हैं इस वक्त, और कुछ इस वक्त शायद उन्हें जुड़ने में दिक्कत आ रही है, लेकिन उनका होना और उनकी उपस्थिति, आपका माइक ऑफ है संगीता जी, उनका होना ही एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। और उस सौभाग्य से आज हम सभी लोग हम लोगों को वो सौभाग्य मिला है, तो बहुत खुशी हो रही है। बस थोड़ी ही देर और है और उसके बाद हम सभी आज का कार्यक्रम शुरू करेंगे। बहुत खास कार्यक्रम है आज का। कहते हैं कि जो विशिष्ट अवसर और विशिष्ट प्रयोजन पर होने वाले अति विशिष्ट आयोजन बड़े सौभाग्य से होते हैं, और ऐसा ही आज सौभाग्य हमें दिया है ईश्वर ने। ईश्वर की कृपा से ये सौभाग्य मिला है कि आज खास दिन है, खास मौका है, और एक बहुत ही खास प्रयोजन भी है। प्रयोजन है पुस्तक के लोकार्पण का। डॉक्टर अमिता दुबे भी आ गई हैं, और धीरे धीरे हमारे साथ सभी जुड़ते जा रहे हैं। सुधा त्रिपाठी शुक्ला जी आ चुकी हैं, सुषमा सौम्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जो इस वक्त पधार चुके हैं। और इस समय आदरणीय डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत। नमस्कार, बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई आदरणीय। आज इतना खास मौका है, हम सब जुड़े हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। आवाज आ रही है मेरी? जी, आवाज आ रही है आपकी। आवाज आप लोगों की भी आ रही है? जी, आपकी आवाज, आपने माइक ऑफ कर दिया है। माइक ऑफ कर दिया है जी। अभी तो मुझे सुनना है ना, इसलिए मैंने माइक बंद कर दिया है। अच्छा, ठीक है। राजूला शुरू करें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस आयोजन में। और इस आयोजन में हमारे साथ बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार जुड़े हुए हैं। मैं क्रम से बताऊंगी। डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी, जिनकी ऊपर लिखी गई पुस्तक का आज विमोचन है, वो मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय आपका। डॉक्टर अमिता दुबे जी हैं, अलका प्रमोद जी हैं, करुणा पांडे जी हैं, संगीता शुक्ला जी भी इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और डॉक्टर भारती सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रकाशन के पटल पर और आज के इस आयोजन में। बहुत विशिष्ट आयोजन है। लेखिका द्वय डॉक्टर अमिता दुबे और अलका प्रमोद जी, और बीच में आदरणीय, क्या संयोग, सुंदर संयोग होता है। तो आज के इस आयोजन में शुभारंभ करने के लिए मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगी संगीता, डॉक्टर संगीता शुक्ला जी से, कि वो सरस्वती वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ करें। डॉक्टर संगीता शुक्ला जी। धन्यवाद, आपने मुझे गौरव प्रदान की वंदना के लिए। मैं डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह से एक पुस्तक
से ही कहना है। ये 2006 में पब्लिश हुई है और इसकी बहुत सारी कविताएं ऐसी हैं जो गए हैं, और इसमें से मैंने एक कविता चुनी है इस समय गाने के लिए वंदना के रूप में। इसका नाम है करुणामयी अम्ब। करुणामयी अम्ब दया करके मेरे उर अंतर धीर धरो, करुणामयी अम्ब दया करके मेरे उर अंतर धीर धरो, उलझे ना हृदय बंधन में अपनी लघुता का बोध रहे, सुख सुविधा हो या दुख विपदा, सुख सुविधा हो या दुख विपदा, अंतर मन में ना कचोट रहे, छद्म कपट की दुनिया में चल, छद्म कपट की दुनिया में माँ आर्त जनों की पीर हरो, करुणामयी अम्ब दया करके मेरे उर अंतर धीर धरो, ओ शक्ति हलाहल जीवन का, तो शक्ति हलाहल जीवन का, हम हंस कर ही मैं पान करूं, अमरज से कह कर निर्विकार, तमरज से कर निर्विकार, मानवता का सम्मान करूं, तम से रह कर निर्विकार, मानवता का सम्मान करूं, नित्य तराशा जाता हो माँ, जो नित्य तराशा जाता हो माँ, ऐसा मन का हीर करो, करुणामयी अम्ब दया करके मेरे अंतर धीर धरो, सेवा हो अपना धर्म कर्म, सेवा हो अपना धर्म कर्म, जीवन इसमें ही कट जाए, सेवा हो अपना धर्म कर्म, जीवन इसमें ही कट जाए, रुकू न कभी टूटू न कभी चूटू न कभी टूटू न थकू, संबल यह मन पाए, जब जब इसलिए पग बाह धरो, जब फिसले पग बाह धरो, यह अनुकंपा हर बार करो, करुणामयी
अम्ब दया करके मेरे उर अंतर धीर धरो करुणामयी अम्ब दया करके मेरे उर अंतर धीर बहुत सुंदर बहुत बहुत सुंदर सरस्वती वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। आदरणीय डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह की लिखी हुई ये सरस्वती वंदना। और अब हम सभी आज जिस प्रयोजन के लिए यहाँ पर हैं तो उसे पूरा करते हैं और पुस्तक का लोकार्पण करते हैं। अविरल सक्रिय सर्जक पुस्तक का लोकार्पण। अब सुंदर लग रही है। इस पुस्तक का लोकार्पण आज एक छोटा सा कार्यक्रम हुआ था। जैसा कि शुरुआत में हमने कहा था कि आज आदरणीय डॉक्टर विद्याबिंद्र सिंह जी की का जन्मदिन भी है, तो उसके उपलक्ष में आज सुबह एक छोटा सा आयोजन हुआ और उसमें इस पुस्तक का लोकार्पण हुआ। तो उसकी कुछ झलकियां हमने संजोई हैं, आइए देखते हैं। तो ये एक छोटी सी झलकी हमने देखी सुबह के कार्यक्रम की। और अब मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय अलका प्रमोद जी से, जो कि इस पुस्तक की सह लेखिका भी हैं, तो इस किताब के बारे में कुछ बताएं। और साथ ही साथ अलका जी को आज साहित्य आराधन संस्था का के सम्मान और पुरस्कारों की भी घोषणा करनी है, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो आए और इस बारे में बात करें। हेलो, धन्यवाद राजू। सम्मानीय डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी, मंचासीन अतिथि एवं पटल से जुड़े हुए सभी विद्वजनों को मेरा नमन। मैं इस लोकार्पण कार्यक्रम में अपने डॉक्टर अमिता दुबे साहित्य आराधन और प्रकाशक के मंच की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जीवन जीने का श्रेय तो ईश्वरीय कृपा है, लेकिन ईश्वर की ये कृपा हम पर बहुत है जो आज हम सब मिलकर डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी को के जन्म की अमृत जयंती पर उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं और उनके लिए ये पुस्तक लोकार्पित कर रहे हैं। उनकी इस अमृत जयंती पर अशेष बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। जीवन जीने का श्रेय ईश्वरीय कृपा है, जैसा कि मैंने कहा,
परंतु स्वदेश जीवन जीना और जीवन को सार्थकता प्रदान करना स्वयं के प्रयासों, दृढ़ निश्चय और अनवरत लगन से ही हो पाता है। और कहना ना होगा कि आदरणीय विद्या जी ने अपने जीवन को सार्थकता प्रदान की। वह एक आदर्श है, प्रेरणा है हम सब के लिए। इससे इतर उनका गंभीर, गरिमामयी, स्नेहमयी, ममतामयी व्यक्तित्व अनायास ही मिलने वाले को आकर्षित कर लेता है। हम लोग जब भी उनसे मिलते हैं लगता है कि जैसे हमारी माँ हमारे सामने आ गई। यह हमारा सौभाग्य है कि हम सब उनके संपर्क में आए और समय समय पर हमको उनका आशीर्वाद और स्नेह मिलता रहा। विद्या जी की 118 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं तथा वह निरंतर नए सोपानों पर चढ़ रही हैं। ईश्वर से उनके जन्मदिन के अवसर पर यही कामना है कि वो दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और उनकी लेखनी गतिशील रहे। जब हमको ये याद हुआ कि उनके 2 जुलाई को उनको वो अपने जीवन के 75 वर्ष पूरे करेंगी तो हमने और डॉक्टर अमिता दुबे ने उनको कुछ विशेष उपहार देना चाहा। एक साहित्यकार के कृतित्व पर पुस्तक लिखने से अच्छा उपहार और क्या हो सकता था। अतः हम दोनों ने इसी शुभेच्छा से उनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर एक पुस्तक लिखने का प्रयास किया। अमिता ने उनके परिमित लेखन कार्य पर अपनी लेखनी चलाई तो मैंने उनके बृहद संपादन कार्य पर प्रकाश डालने का निर्णय लिया। जब हमने ये निर्णय लिया तब कोरोना काल का लॉकडाउन का समय था और हम दोनों को अचानक ही उपहार देकर उनको अचंभित करना चाहते थे। अब समस्या यह थी कि हम कृतियां कहाँ से जुटाएं। मेरे पास कुछ कृतियां उपलब्ध थी, शेष अमिता ने मुझे स्पीड पोस्ट और मेल से उपलब्ध कराई जिसके कारण मेरा लिखना संभव हो पाया। इसके लिए मैं पुस्तक की अपनी सह लेखिका डॉक्टर अमिता दुबे का आभार प्रकट करना चाहूंगी कि जिनके सहयोग के कारण मैं इस लेखन कार्य को संपन्न कर पाई। पुस्तक आज यदि हम विद्या जी को उपहार स्वरूप दे पा रहे हैं तो उसका श्रेय युगधारा फाउंडेशन एवं प्रकाशन को भी देना चाहूंगी। उन्होंने बहुत कम समय में पुस्तक प्रकाशित करके हमको सर समय उपलब्ध करा दिया। हमने आज प्रातः आदरणीय विद्या जी के आवास पर जाकर उनको सम्मानित किया और उनको उपहार स्वरूप पुस्तक देते हुए उनके हाथों से ही इसका लोकार्पण किया जिसकी झलक अभी आप देख चुके हैं। साहित्य आराधन संस्था प्रतिवर्ष कृतियों के लोकार्पण के अतिरिक्त वर्ष 2019 से प्रतिवर्ष सम्मान और पुरस्कार समारोह आयोजन करती जो कोरोना संक्रमण के आपदा काल में बाधित रहा। यदि ईश्वर की कृपा रही तो शीघ्र ही हम एक सम्मान समारोह आयोजित करेंगे जिसमें सभी सम्मानित होने वाले विद्वजनों का सम्मान करेंगे। परंतु साहित्य अधिकार आराधन के पदाधिकारियों की सर्वसम्मति से सम्मानित होने वाले साहित्यकारों का नाम चयन कर लिए गए हैं जो इस प्रकार है। सर्वप्रथम डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी को आज हम लोगों ने सुबह वो सम्मान दिया है, श्री अनिल कुमार अनिल साहित्य आराधन सम्मान 2021। वो उनके आवास पर जाके हमने उन लोगों उनको हमने अमिता ने आलोक जी ने साहित्य आराधन की ओर से उनको सम्मानित किया। और जब ये कार्यक्रम आयोजित होगा तो पुनः एक बार हम विद्या जी को कष्ट देंगे और उनको आमंत्रित करेंगे। उनको बहुत बहुत बधाई। अब एक सम्मान वर्ष 2020 का है जो परिस्थितियों वर्ष इस वर्ष प्रदान किया जाएगा, वो है श्री कृष्णेश्वर डिंगर स्मृति साहित्य सम्मान वर्ष 2020 जो वरिष्ठ प्रतिष्ठित साहित्यकार श्री महेश चंद द्विवेदी जी को देने का निर्णय लिया गया है। उनको हम लोगों की ओर से बहुत बहुत बधाई। वर्ष 2021 के लिए श्री कृष्णेश्वर डिंगर स्मृति साहित्य सम्मान वर्ष 2021 वरिष्ठ साहित्यकार कवि श्री हरीश निशांत जी को दिया जाएगा, उनको भी बहुत बहुत बधाई। श्रीमती पुष्पलता स्मृति साहित्य सम्मान वर्ष 2021 श्रीमती पुष्पा दीक्षित को देना सुनिश्चित किया गया है, उनको भी हम सबकी हार्दिक बधाई। श्री धर्म नारायण दुबे स्मृति साहित्य सम्मान वर्ष 2021 से साहित्यकार एवं वित्त सेवा से सेवानिवृत्त श्री नरेंद्र भूषण जी को समर्पित किया जाएगा, नरेंद्र भूषण जी को भी हम लोगों की ओर से बहुत बहुत बधाई। श्री विवेक आशीष स्मृति साहित्य सम्मान वर्ष 2021 स्थापित पत्रकार श्री अविरल आनंद जी को दिया जाएगा। अविरल आनंद जी के कार्य से हम सब परिचित हैं और वो सर्वथा इसके योग्य हैं, उनको बहुत बहुत बधाई।
श्रीमती अवध रानी स्मृति साहित्य सम्मान वर्ष 2021 वरिष्ठ कहानीकार श्रीमती शशि जैन को दिया जाएगा। शशि जी को भी हमारी ओर से हार्दिक बधाई। प्रियंक स्मृति साहित्य सम्मान वर्ष 2020 वरिष्ठ बाल साहित्यकार श्री राम लायक मानव जी को दिया जाएगा, जो बाल साहित्य के क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं, उनको भी हम लोगों की ओर से हार्दिक बधाई। वर्ष 2021 में हमने बच्चों के लिए हिंदी लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए बच्चों में हिंदी लेखन की प्रतियोगिताएं आयोजित की। ये कोरोना संक्रमण काल था, अच्छा बच्चों से संपर्क करना उनके लिए सुरक्षित नहीं था, इसीलिए हमने ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित करने का निर्णय लिया और मेल पर प्रविष्टियां आमंत्रित की। यद्यपि जिस समय प्रतियोगिता की घोषणा हुई थी लॉकडाउन नहीं था, अतः हमने डाक से भी प्रविष्टियां आमंत्रित की, परंतु परिस्थितियों वश ईमेल से ही प्रविष्टियां प्राप्त हुई, क्योंकि बाद में कोरोना जो है उसका संक्रमण बहुत बढ़ गया था। एक प्रतियोगिता जो आयोजित की गई थी वो है प्रियंक स्मृति साहित्य आराधन पुरस्कार वर्ष 2021। इसके लिए कक्षा 7 एवं 8 के स्तर के बच्चों को हम लोगों ने आमंत्रित किया था कोरोना विषय पर कविता लिखने के लिए। और दूसरी प्रतियोगिता थी अनुज स्मृति साहित्य आराधन पुरस्कार वर्ष 2021। इसके लिए हमने कक्षा 5 और 6 स्तर के बच्चों के लिए को आमंत्रित किया था देशभक्ति पर 100 शब्दों की सीमा में निबंध लिखने के लिए। इन दोनों प्रतियोगिताओं के निर्णय हिंदी बाल साहित्य की जानी मानी लेखिकाओं ने किए। दोनों ही प्रतियोगिताओं के निर्णायक मंडल में निर्णायक थी। एक थी प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार सुश्री नीलम राकेश जी और दूसरी थी वरिष्ठ साहित्यकार सुश्री सुधा आदेश जी। हम आप दोनों के हृदय से आभारी हैं कि आपने अपना अमूल्य समय देकर सभी रचनाओं को पढ़ा और प्रतियोगिता का निर्णय किया। ये हर्ष का विषय है कि बच्चों ने इस प्रतियोगिता में अति उत्साह से प्रतिभागिता की, बच्चों ने अपनी सृजनशीलता का परिचय दिया और मुझे प्रसन्नता है कि बच्चों ने अपनी मातृभाषा के प्रति इतना रुझान दिखाया। उनकी प्रतिभा को देखकर हमें प्रसन्नता हुई और मेरी दृष्टि में जो भी बच्चे प्रतिभागी हैं सभी विजेता हैं। निश्चय ही इन रचनाओं में हमारे निर्णायक गणों के लिए निर्णय करना कठिन रहा होगा, परंतु प्रतियोगिता है तो प्रथम द्वितीय और तृतीय का चयन तो करना ही था। कुछ बच्चे जो मात्र आधे अंक से पीछे रह गए उनको हमने प्रोत्साहन पुरस्कार देने का निर्णय लिया। और हाँ, हमारी दृष्टि में प्रतिभागिता ही विजेता है, विजय का जो भी प्रतिभागी है वही विजेता है, अतः प्रतिभागिता का प्रमाण पत्र और कुछ उपहार हम अपने सभी प्रतिभागी बच्चों को देंगे। चूंकि बच्चे अधिकांशतः लखनऊ शहर के बाहर के हैं, अतः उनको और जो लखनऊ के प्रतिभागी बच्चे हैं उनको भी सुरक्षा के दृष्टिकोण साहित्य आराधन द्वारा आयोजित समारोह में बुलाना उचित नहीं है, अतः उनको हम उनके पुरस्कार उपहार प्रमाण पत्र डाक से भेजे जाएंगे। सभी बच्चों से निवेदन है कि जिस मेल आईडी पर उन्होंने अपनी रचना भेजी थी उसी पर मेल आईडी पर अपना डाक भेजने के लिए पूरा पता पिन कोड सहित दें, जिससे उनके प्रमाण पत्र पुरस्कार उपहार भेजे जा सके। अब हम आपके सामने ये निर्णय प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रियंक स्मृति साहित्य आराधन पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए प्रथम स्थान मिला है विशाल गुप्ता को, जो सतरंगी पाठशाला पूर्व माध्यमिक विद्यालय घोसियार बलरामपुर से हैं। इनको ₹750 उपहार और प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इनको बहुत बहुत बधाई। द्वितीय स्थान मिला है प्रभव राठी को, श्री तेग बहादुर अकादमी रतलाम मध्य प्रदेश से के प्रभव राठी को ₹500 उपहार और प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तृतीय स्थान मिला है कुमारी प्रियंका को, जो राउप्रा विद्यालय गुंदियाल नाडी से है। इनको ₹250 उपहार एवं प्रमाण पत्र दिया जाएगा। प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया है अक्षत श्रीवास्तव को, वैशाली शुक्ला को, जो उच्च माध्यमिक विद्यालय नगवा जयराम गोंदला मऊ सीतापुर से हैं, रिंकला मौर्य को, जो सतरंगी पाठशाला ग्राम रोवारी यूपीएस घोसियार बलरामपुर से हैं, एवं मान्यता उपाध्याय जो बिशप जॉनसन स्कूल एंड कॉलेज प्रयागराज से हैं। इन सबको उपहार और प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई। अब स्मृति साहित्य आराधन पुरस्कार वर्ष 2021
किस के लिए प्रथम स्थान पाया है। देखिए अब मेरी शक्ल भी आ गई। जो सोफिया सी से स्कूल अजमेर से हैं, उनको 750 रुपए उपहार और प्रमाण पत्र दिया जाएगा। द्वितीय स्थान कुमारी ओजस्वी को मिला है, जो केंद्रीय विद्यालय अलीगंज लखनऊ से हैं, और उनको रुपए 500 उपहार एवं प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तृतीय स्थान कुमारी कंचन जोशी को मिला है, जो नरतोला नैनीताल से हैं, और उनको रुपए 250 उपहार और प्रमाण पत्र दिया जाएगा। प्रोत्साहन पुरस्कार मिला है विश्रुत मेहरोत्रा, दिल्ली पब्लिक स्कूल इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलुरु, आशी व्यास भोपाल, इन दोनों बच्चों को प्रोत्साहन पुरस्कार मिला है। बच्चों, आप लोगों के लिए एक और खुशी का समाचार है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की संपादक और साहित्य आराधन की अध्यक्ष डॉक्टर अमिता दुबे ने अवगत कराया है कि प्रविष्टियों में से यदि कोई रचना उनको अच्छी लगी तो वो अपनी प्रतिष्ठित बाल पत्रिका बाल भारती में बच्चों द्वारा लिखी रचनाओं के स्तंभ में उसे प्रकाशित करेंगे। रचनाओं के प्रकाशन का इस प्रतियोगिता के निर्णय के आधार पर चयन नहीं होगा, क्योंकि प्रतियोगिता में निर्णय एवं नियमों के अंतर्गत होते कुछ नियमों के अंतर्गत होते हैं, और पत्रिका में प्रकाशन के अलग बिंदु होते हैं जो संपादक अपनी दृष्टि से देखते हैं। हम इसके लिए डॉक्टर अमिता दुबे के विशेष रूप से आभारी हैं। सभी सम्मानित होने वाले विद्वजनों को आगामी साहित्य आराधन के कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा, जिसकी सूचना उनको यथा समय दे दी जाएगी। सभी सम्मानित होने वाले साहित्यकारों और पुरस्कृत होने वाले बच्चों को बधाई एवं शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं पुनः आज के आदरणीय विद्या जी के जन्मदिन समारोह से जुड़ती हूँ और उनके लिए कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करके अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नाम था नाम विद्या दे किया जो कल्पना साकार है, आकांक्षा माँ पिता की उसका किया सत्कार है। शताधिक कृति रचकर किया माँ वीणा पाणी को नमन, बाग देवी का वरद हस्त सृजित किया है विपुल सृजन। लेखनी जो चल पड़ी तो गति से सतत चलती रही, अब दूर तक चलती रहे है कामना सबकी यही है, कामना सबकी यही है, कामना सबकी यही। दीप्तिपुंज बनी ज्ञान का दूर किया अंधकार है, नक्षत्र विद्याकाश की को नमन बारंबार है, को नमन बारंबार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी, बहुत सुंदर पंक्तियों के साथ आपने अपने वक्तव्य का समापन किया। और अब मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय डॉक्टर भारती सिंह जी से कि वो अपने विचार व्यक्त करें। धन्यवाद राजू जी। सबसे पहले पटल से जुड़े सभी सुधी व्यक्तित्वों को मेरा प्रणाम। मित्रों, आज उस शख्सियत का जन्मदिन है जिसका नाम आते ही भीतरी मन लहकने और महकने लगता है। आज मैं सबसे पहले डॉक्टर विद्याबिंद सिंह को जन्मदिन की बधाई देती हूँ, वो मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और निश्चित रूप से सुबह से कार्यक्रम हो रहे हैं, बार बार ये बात दोहराई जा रही है कि वे किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वे क्या है, वे एक जड़ों से गगन चुंबी ऊंचाइयों तक सादगी और सरलता के पर्याय है। डॉक्टर विद्याबिंदु सिंह एक ऐसा नाम है जिसपे पूरा लोक समाए। अपनी ऊर्जा, अपनी सक्रियता और अपनी दृढ़ता से अवस्था को धता बताते हुए ये लोक विदुषी अपने लोक में प्रवेश करने वाले को शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से युवा बना देते हैं। अपनी मिट्टी की तोंधी महक, अपनी जमीन, अपनी संस्कृति से जुड़ने वाली भाषा द्वारा पाठकों को ऐसी दुनिया में पहुंचा देते हैं जहां से बाहर आना मुश्किल होता है। और यदि कोई इनके ग्रंथों को पढ़कर बाहर आता है तो लोक रंग में पूरी तरह से डूबा हुआ। गौरी गणेश की वंदना से लेकर देवी गीतों तक, कन्या शोषण की बात से लेकर मिशन शक्ति तक, सामाजिक सरोकारों से लेकर घर घर की समस्याओं तक, सभी के सुख दुख की संगिनी यह लेखिका अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पे एकला चलो का सशक्त उदाहरण। मित्रों,
लोक विदुषी डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जो निश्चय ही किसी परिचय का मुमताज नहीं है, विख्यात साहित्यकार और लोकधर्मी तो है ही, डॉक्टर अमिता दुबे और डॉक्टर और अलका प्रमोद जी के शब्दों में अविरल साहित्य सर्जक है। अविरल साहित्य सर्जक डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह के लिए अपनी भावनाएं पुस्तक रूप में समर्पित करने वाली लेखिका द्वय के प्रयासों से हम अभिभूत हैं। निश्चय ही लॉकडाउन के दौर में सामग्री के अभाव और सीमित संसाधनों में आप दोनों की दृढ़ इच्छा शक्ति ही पुस्तक को आकार रूप दे सकी। लेखिका द्वय ने रचनाकार विद्या बिंदु सिंह और संपादक विद्या बिंदु सिंह को अपने अपने तरीके से व्याख्यायित किया है। लिखने वाला यूं भी सुनने वाले के लिए नहीं लिखता, आत्मसंतुष्ट के लिखता है या फिर वो जिसे बहुत प्यार करता है उसके लिए ऐसा काम कर सकता है। निश्चित रूप से आप दोनों का ये प्रयास सराहनीय है, स्तुत्य है। डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह की कृतियों पर शब्द लीला करना सरल नहीं है, बहुत ही कठिन काम किया है आप दोनों ने। अमिता जी ने उनका लेखन पक्ष लिया है, उनका लेखन संसार विविध वर्णी है, कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक, लोक साहित्य, बाल साहित्य, व्याकरण, नव साक्षर के लिए लिखा गया साहित्य, वार्ता और साक्षात्कार, सभी में उनकी समान गति है। देश विदेश की संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों में भी आपकी पकड़ है। सबसे मोहक पक्ष है जब वो हर जगह इन्हें ममतामयी कहकर संबोधित करती हैं पुस्तक में, साथ ही मानवीय संवेदना की कविताओं को इस शीर्षक में व्याख्यायित किया है और इन कविताओं की बड़ी अच्छी व्याख्या प्रस्तुत की है। भक्ति भावना और मुक्त छंद की रचनाओं को भी अमिता जी ने अपने तरीके से व्याख्यायित किया है। अमिता जी लिखती हैं कि कवित्री विद्या बिंदु सिंह पेड़ जैसे उपलब्धि परक जीवन की कामना करती है। पेड़ होना, किसी के लिए हर समय कुछ देते रहने का भाव जहां हो, सत्यम शिवम सुंदरम की स्थापना के लिए भी वे निरंतर सक्रिय हैं। उनके लेखन का सबसे सशक्त पक्ष जो उन्होंने दिया है विसंगतियां और स्त्री जीवन, सामाजिक विसंगतियों से संघर्ष करती लेखिका अमिता जी के अनुसार मध्यम मार्ग पर चलती है, दुर्वा की भांति लचकती है, टूटती नहीं, टूटन और बिखराव के बीच दृढ़ता से खड़ी रहती है। अमिता जी ने उल्लेखनीय पक्ष ये रखा है रचनाकर्त्री के नारी विमर्श पर केंद्रित 5 उपन्यासों के आकलन, अंधेरे के दीप, शिवपुर की गंगा भौजी, सूखती सरिता का खत, फूल कली और बेटियां, इन 5 उपन्यासों के केंद्र में नारी है। एक ऐसी नारी जो विपरीत परिस्थिति में चलती रहती है, हार नहीं मानती, अबला नहीं बनती, दुखों की आंच में तपकर सोने की तरह खरा उतरती है। ममतामयी रचनाकार विद्या बिंदु सिंह के संग अपने व्यक्तिगत सुख दुख के विषय में कई जगह अमिता जी ने खुद व्याख्यायित किया है, बताया है। पुस्तक में कई ऐसे प्रसंग हैं जो एकदम हृदय को छू जाते हैं, विद्या जी की सरलता को लेके और अमिता जी के उनके प्रति अनुराग को लेकर। इसी क्रम में अलका प्रमोद जी की बात करें तो इन्होंने विद्या जी के संपादन पक्ष को लिया है। जितनी ही महनीय लेखिका हैं विद्या जी, उतनी ही प्रखर संपादक भी लोग, और इस संपादन के रूप में इनको स्थापित किया है। 115 प्रकाशित और 18 प्रकाशनाधीन कृतियों की सर्जक डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह ने निबंध, कविताएं, स्मृति ग्रंथ, कहानी संकलन, लेख, काव्य रूपांतरण, सभी तरह के संकलनों का संपादन किया है। खड़ी बोली के साथ साथ डॉक्टर सिंह अवधि और ब्रजभाषा साहित्य में भी गहरी पैठ रखती हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में 3500 से अधिक रचनाएं प्रकाशित होना लेखिका की सृजन धर्मिता का उदाहरण है। हिंदी ही नहीं, अन्य भाषाओं तक भी आपके साहित्य अनुवाद के माध्यम से पहुंच रहे हैं। सम्मानों की एक लंबी सूची डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह के नाम के साथ चस्पा है। अलका जी ने जब सम्मान सम्मानित हुआ शीर्षक में आपके सुदीर्घ सम्मानों की सूची प्रस्तुत की है। संपादन और अध्यात्म चिंतन शीर्षक में विद्या जी के संपादन संबंधी प्रचुर अनुभव का लेखा जोखा अलका जी ने प्रस्तुत किया है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में डॉक्टर सिंह ने लंबे समय तक संपादन का कार्य किया था।
आध्यात्मिक और विचार परक विषयों की कृतियों, स्मारिकाओं, पत्रिकाओं का सुदक्ष संपादन किया। यहाँ लगभग पिछले 18 वर्षों से उनके द्वारा संपादित संत विवेक की चर्चा करना आवश्यक है। श्री कृष्ण प्रताप सिंह स्मृति व्याख्यान माला के अंतर्गत प्रतिवर्ष कोई न कोई एक विषय इस पत्रिका के केंद्र में रखते हुए व्याख्यायित किया जाता है। यकीनन अलका जी ने संत विवेक के सभी अंकों के शीर्षकों को उद्धृत करके आध्यात्म चिंतन की गूढ़ व्याख्या प्रस्तुत करते हुए विद्या जी को सजग समाज के प्रति दायित्व बोध से पूर्ण समर्थ संपादक के रूप में प्रस्तुत किया है। संपादन कृतिका संरक्षण संस्कृति का इस शीर्षक में अलका जी ने विद्या जी के संस्कृत प्रेम और अपनी माटी से जुड़ाव को उद्घाटित किया है। साहित्य में एक शब्द है कालजयी। मित्रों, डॉक्टर अमिता दुबे और अलका जी ने इस अविरल साहित्य सर्जक को कालजयी बना दिया। इस पुस्तक के माध्यम से आदरणीय से जैसा निश्चल स्नेह और प्यार दुलार लेखिका द्वय को मिला, वो कृतज्ञ भाव से पुस्तक के रूप में आप लोगों ने हम सबको लौटा दिया है। अपनी बात कहूँ तो मेरी यादों की मंजूषा में आपसे संबंधित हजारों प्रसंग उमड़ घुमर कर आते हैं। मैं बात करना चाहूंगी उनकी स्त्री धर्मिता पर। विद्या जी केवल रचनाकार नहीं, एक महाकाव्य है। पारिवारिक रूढ़ियों से आक्रांत स्त्री की वेदना और खोखले रिश्तों की मनोवैज्ञानिकता को डॉक्टर सिंह बखूबी उभारती हैं। आत्मविश्वास और अपने बूते पर जीने वाली स्त्री उनके लेखन में सर्वोपरि है। इनके नारी पात्र सच की तपती जमीन नहीं छोड़ते, अपितु दुष्कर हालातों का डटकर सामना करते हैं। टूटते रिश्तों के बावजूद विश्वास की गठरी लादे हर उम्र की, हर तबके की स्त्रियों की पीड़ा के चित्र इनके लेखन में बिखरे पड़े हैं। घर से बाहर तक 24 घंटे कार्यरत इनकी स्त्री अपनी मेहनत के बलबूते जीने की राह ही नहीं निकालती, रिश्ते ही नहीं बनाती, संबंधों को भी बचाए रखती है। ऐसा लगता है कि मनुष्यता को बचाए रखने का संकल्प जो लेखिका का है वही उसके पात्रों में भी है। सहनशीलता, संघर्ष और गरिमा ये लेखिका के व्यक्तित्व में टपकते रहते हैं। स्त्री की स्वाधीनता को डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह एक खास लिपि में लिखती हैं, जिसे ऊपर से नहीं पढ़ा जा सकता। मित्रों, उनके लोकानुभव उनकी रचनाओं में आवेग बनकर नहीं, धीमी गति से प्रस्तुत हुए हैं, संगीत बनकर। अंत में मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि डॉक्टर सिंह लोक साहित्य का ऐसा समादृत नाम है जो नारों और विमर्शों से स्वयं को अलग रखते हुए निरंतर लेखन में रत हैं। उनके लेखन के केंद्र में भारतीय संस्कृति के उदात्त मूल्यों की संरक्षण की कोशिश है। साहित्य रचने वाले कथाकार, अनुवादक, उपन्यासकार, संपादक और कवि हमने देखे हैं, पर इतिहास कभी भी ऐसे व्यक्तित्व की बात करेगा जिसने रचना को लिखा ही नहीं वरन सृजन को जिया है। तो अपनी आती जाती एक एक सांस के साथ लेखन को जीवन का पर्याय बनाया है, तो पहला नाम डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह का होगा। संवेदनाएं उनके लेखन में उतरी हैं। मेरी इतनी योग्यता नहीं कि मैं उस पर कुछ बोल सकूं, लेकिन एक बात यहाँ पर कहनी बहुत जरूरी होगी कि दुष्यंत का एक शेर है, जिंदगानी का कोई मकसद नहीं है, एक भी कद आज आदम कद नहीं है, पेड़ पौधे हैं बहुत बौने तुम्हारे, रास्ते में एक भी बरगद नहीं है। मित्रों, रास्ते में जिस बरगद की बात वो करते हैं कि नहीं है, मैं उनकी बात को यहाँ पर काटना चाहूंगी कि हम सबको, इस पटल से जुड़े हुए सारे मित्रों को और इस लेखिका द्वय को, सबको बट वृक्ष के रूप में डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह प्राप्त हैं। हम सबके रास्ते में एक बड़ी बड़ी छाया है, एक बड़ा बट वृक्ष है जिसके नीचे हम लोग फल फूल रहे हैं। तो निश्चय ही इस अविरल साहित्य सर्जक की लेखनी एक औषधि की तरह है। संपादिका द्वय ने जिस मनोयोग से पुस्तक के संपादक का दायित्व तो निभाया है उसके प्रति औपचारिक आभार बेमानी होगा। मैं अमिता जी और अलका जी के साथ इस छायादार बटवृक्ष के नीचे आदरणीय विद्या बिंदु सिंह को प्रणाम करना चाहूंगी। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर भारती जी, बहुत सुंदर समीक्षा और
बहुत सी बातें जो आप सभी बहुत ज्यादा आदरणीय विद्या बिंदु सिंह जी के संपर्क में रहे हैं और मुझे तो बहुत सी बातें जानने को मिल रही हैं और किताब पढ़कर डॉक्टर अमिता दुबे और अलका प्रमोद जी की लिखी हुई किताब पढ़कर मुझे बहुत सी बातें समझने को मिली, उन्हें जानने का मौका मिला, तो आपकी समीक्षा से उस पर और भी ज्यादा रोशनी पड़ी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कृति चर्चा के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय डॉक्टर करुणा पांडे जी को। धन्यवाद राजू जी, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज विद्या दीदी का अमृत महोत्सव है जो बहुत ही हम लोगों के लिए गौरव का विषय है। बातचीत व्यवहार में अपनेपन की गंध, बातचीत व्यवहार में अपनेपन की गंध, मिलने पर ऐसा लगे जन्मों का संबंध। अंदर है हलचल बहुत, अंदर है हलचल बहुत, बाहर है ठहराव, जैसा सुंदर व्यक्तित्व है वैसे सुंदर भाव। क्या बात, उसको मैं समझती हूँ। आज विद्या दीदी अपने 75वें अमृत महोत्सव को मना रही है, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को हम शब्दों में नहीं बांट सकते, लेकिन उनका जो लेखन है उसको मैंने देखा वो सिर्फ रचनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके व्यक्तित्व में जो आदर्श वो रचनाओं में देती हैं, वो आदर्श दीदी के व्यक्तित्व में, उनके व्यवहार में और उनके जीवन में हमें दिखाई देते हैं। और ये एक सच्चे साहित्यकार की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वो जो कहे वही जो लिखे उसको पहले अपने जीवन में उतारे। इसके लिए मुझे गांधी जी का याद आता है, एक ने कहा, एक लेडी अपने बच्चे को लेके गई गांधी जी के पास कि मेरा बेटा जो है चीनी बहुत खाता है, इसको चीनी खाने के लिए मना कर दीजिए। तो गांधी जी ने कहा कि आप 7 दिन बाद आइएगा। 7 दिन बाद आए तब उन्होंने बच्चे से कहा कि बेटा चीनी मत खाओ, अच्छी चीज नहीं है। तो उस लेडी ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा, ये बात तो आप पहले भी कह सकते थे। तो उसने कहा कि पहले मैंने चीनी खाना छोड़ा है, उसके बाद मैंने इसको उपदेश दिया। तो ये चीज हम दीदी के व्यक्तित्व में देखते हैं और ये अनुकरणीय है, हमको सीखना चाहिए। अब शांता सुखाय के लिए और दीदी को से प्रेरणा लेते हुए अमिता जी और अलका जी ने जो पुस्तक को प्रकाशित किया और जिन परिस्थितियों में प्रकाशित किया उसके लिए वाकई ये लोग बधाई की पात्र हैं। और मैं पुस्तक के लिए कुछ कहना चाहूँगी। जब मुझे लेखिका जो है डॉक्टर अमिता दुबे और अलका प्रमोद जी द्वारा लिखी पुस्तक अभिनय सक्रिय सर्जक डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह मिली तो आवरण प्रश्न देखकर मन आह्लादित हो गया, क्योंकि आवरण प्रश्न की सात्विकता और लालित देखकर आभास हो गया कि पुस्तक के अंदर कितना भावमय संसार होगा। हरी साड़ी को पहनकर अपने 75वें वर्ष में भी हरितिमा बिखेरती विद्या दीदी की तस्वीर, दीदी का आशीर्वाद प्राप्त करती अपनी लोकार्पित कृति के साथ अमिता जी और अलका जी, अथाह ज्ञान के सागर में कल्लोल करती दो लहरों के रूप में उपस्थित हैं। पीले रंग से सज्जित दीदी का नाम डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह बासंती छटा का आगाज करता प्रतीत होता है। मुख प्रश्न के रंगों के विधान का शास्त्रोक पूरी पुस्तक की मुख्य पात्र डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह दीदी और दोनों रचनाकार को एक गरिमा प्रदान कर रहा है। मैं इसके लिए उन दोनों को बधाई देती हूँ। संपादक पुस्तक दो भागों में है। पहला भाग ममतामयी रचनाकार शीर्षक से अमिता जी ने लिखा है, समर्थ संपादक नाम से दूसरा भाग अलका जी ने लिखा है। सशक्त रचनाकार अमिता जी और अलका जी का लेखन व्यक्तित्व और कृतित्व का बहुत बड़ा विस्तार है, परंतु आज मैं उनके व्यक्तित्व को ना करके सिर्फ दीदी के बारे में और इस पुस्तक के बारे में ही कहूंगी। पहला भाग में रचनाकार के रूप में
विद्या दीदी के रचना धर्म से जुड़ी कुछ कविताएं, कुछ कहानियां और कुछ उपन्यासों को समाहित किया गया है। सबसे पहले डायरी के पन्ने शीर्षक में डायरी के महत्व को बताते हुए दीदी के साथ गुजारे समय को याद किया है। लेखिका ने विद्या दीदी के साथ विगत वर्षों की स्मृति के माध्यम से उनके विशाल व्यक्तित्व का परिचय दिया है। उनकी ममतामयी स्मृति में अमिता जी कई बार भावुक हुई, जो कि स्वाभाविक है क्योंकि जब इसने ममता वात्सल की फुहार भरी यादें जीवंत होती हैं तो मन भर आता है और नयन कोर भीगने लगते हैं। दूसरा शीर्षक मानवीय संवेदना की कविताएं हैं। शीर्षक से स्पष्ट है कि यह उनके काव्य संसार के वातायन को खोलकर भावों से भरी उनकी कविताओं का सूक्ष्म एवं हृदयग्राही अवलोकन है। वेदना से स्पंदित होकर जब संवेदना शब्दों से प्रस्फुटित होती है तो कविता का जन्म होता है। संवेदना हृदय के धरातल में ही ऊर्जा प्राप्त करती है। लेखिका ने विद्या दीदी की मानवीय संवेदनाओं की कविताएं लेकर उनकी लेखन शैली, उनकी व्यथा और समाज के प्रति उनके सरोकार को बहुत सुंदर तरीके से व्यक्त किया है। माँ शारदे की वंदना, वृद्धों के लिए, गरीबों और भूखों के लिए राम से अपनी व्यथा बताते हुए प्रकृति में स्वच्छंद विचरण करती चिड़िया को देखकर कल्पना करती कविताएं, मन की वेदना को व्यक्त करती कविताएं, यानी विद्या दीदी के काव्य गुलदस्ते से हर प्रकार के कविता फूल को लेकर अमिता जी ने एक सुंदर माला में पिरोने का जो प्रयास किया है वो प्रशंसनीय है। विसंगतियां और जीव स्त्री जीवन, ये शीर्षक से अगला पड़ाव है जिसमें उनके उपन्यास और कहानियों को लेकर प्रकाश डाला है। विसंगतियां स्त्री जीवन में ही नहीं किसी के जीवन में हो सकती हैं, पर विद्या दीदी ममता देवी दृष्टि रखती है तो नारी की विडंबनाओं और उनकी स्थिति पर उनका ध्यान अधिक गया है। उनकी स्त्री संघर्ष तो करती है पर मर्यादा और परंपराओं में रहकर अपने अस्तित्व को बचाती हुई ज्ञान विज्ञान संगीत कला के साथ तादाद में स्थापित करती हुई वह अपना मार्ग प्रशस्त करती है। यही उनकी कहानियों का परम तत्व उनको सबसे अलग बनाता है। विद्या दीदी की कहानी उपन्यास लोक साहित्य को मैंने काफी पढ़ा है और पढ़ने के बाद मैंने महसूस किया कि उनकी संवेदना जीवन की विडंबनाओं विसंगतियों नारी धर्म और विलुप्त होती लोक कथाओं और लोकगीतों को लेकर कितनी सजग है और उनमें समाज संस्कार व लोक साहित्य को बचाने की एक तड़प है। उनकी स्त्री एक अलग तरह के स्त्री सशक्तिकरण को देखती है। उनकी स्त्री विषम परिस्थितियों में टूटती बिखरती नहीं वरन दुख को ही संबल बनाकर खुशी तलाशती है और समाज का नव निर्माण करती है। उनका यह विचार कि स्त्री पुरुष एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं वरन पूरक हैं, आज के स्त्री पुरुष के बीच फैले वैमनस्य को दूर करने के लिए एक सार्थक संदेश है। उच्छृंखलता और निर्लज्जता स्त्री का गहना नहीं है। नारी मुक्ति और नारी विमर्श के नाम पर जो वातावरण बन रहा है वह भारतीय संस्कृति के लिए के भविष्य के लिए खतरे की घंटी है। ये बार बार उनकी कहानियों में उनके लेखों में स्पष्ट होता है। आज ना स्त्री स्वतंत्रता के नाम पर जो पूर्णपन हर क्षेत्र दिखाई दे रहा है डॉक्टर विद्या बिंदु जी की लेखनी उसके भावे परिणाम को अपनी कहानियों के माध्यम से कुशलतापूर्वक बताने में सिद्ध हस्त है। महादेवी वर्मा जी स्त्री को सत्यम शिवम सुंदरम का मूर्त रूप मानती हैं। उनका कहना है स्त्री में माँ का रूप सत्य वात्सल ही शिव और ममता ही सुंदर है और इन तीनों ही रूपों का अवलोकन डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी के कथानक में स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। वह नारी की स्वतंत्रता की पक्षधर है पर स्वच्छंदता की नहीं। स्त्री हो या पुरुष समाज की इकाई होने के नाते समाज के प्रति उनके कुछ कर्तव्य हैं। लेखिका ने उनके कहानी संग्रह और उपन्यासों का सूक्ष्म अवलोकन कर एक एक आदर्शों और विपरीत परिस्थितियों को सामने लाकर विद्या दीदी के बहुमुखी आयाम को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। उनके समर्थ साहित्य की सार्थकता को सामने लाने की कोशिश की है। अमिता जी चूंकि खुद भी कथाकार हैं इसलिए विद्या जी के कहानी और उपन्यास पक्ष पर उनकी धारदार कलम चली है और उनकी हर कहानी पर उन्होंने एक अलग तरह से विस्तृत समीक्षा रखी है जो उनकी मननशीलता और रचना धर्मिता को बताता है
मैं उनकी सृजन धर्मिता को प्रणाम करती हूँ। दूसरा भाग है समर्थ संपादक, जिसका अलका प्रमोद जी ने लिखा है। जैसे सेतु यानी पुल जोड़ने का काम करता है, उसी तरह सेतु शीर्षक की कविता के द्वारा अलका जी ने खुद को दीदी की संपदा और ममता से जोड़ने का प्रयास किया है। इसमें पहला रचना पुष्प का नाम है तेरा तुझको अर्पण, जिसमें अलका जी ने उनके साथ अपने संबंधों की थाती को उनकी प्रेरणा से प्रेरित कर लिखे रचना कर्म को उनके विशाल व्यक्तित्व से प्रभावित उनकी वात्सल से भरी प्राप्त संवेदना को इसमें प्रस्तुत किया है। उनके साथ अपने अविस्मरणीय पलों को संजोती हुई अलका जी बार बार बहुत भावुक हो जाती हैं। संपादन में योगदान शीर्षक में अलका जी ने उनकी सभी कृतियों की उनके द्वारा संपादित पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों की क्रमवार सूची प्रस्तुत की है, जो विद्या दीदी के विशाल रचना समुद्र का आभास कराती है। अगला शीर्षक है जब सम्मान सम्मानित हुआ, जिसमें उनको प्राप्त सम्मानों की एक लंबी सूची है। लेखिना ने ठीक ही शीर्षक दिया, जब सम्मान सम्मानित हुआ, क्योंकि उचित पात्र को अगर सम्मान दिया जाता है तो सम्मान का भी मन बढ़ता है और आगे आने वाली पीढ़ी उसे पाकर गौरवान्वित होती है। उसके बाद संपादन और आध्यात्म चिंतन शीर्षक में लेखिका ने उनके आध्यात्म लेखन पर कलम चलाई है। क्योंकि विद्या दीदी हिंदी संस्थान में संपादक के रूप में कार्य कर चुकी हैं, इसलिए उनका संपादन उच्च कोटि का है और वह छोटी छोटी चीजों पर बहुत पैनी निगाह रखती हैं। संपादन के मुख्य बिंदु सत्य, स्पष्टता, निष्पक्षता, संतुलन का वो बहुत ध्यान रखती हैं। 2006 से निरंतर संत विवेक पत्रिका अबाध गति से उनके संपादन में निकल रही है। कोरोना जैसे त्रासदी भरे माहौल में भी विद्या दीदी ने संत विवेक के प्रकाशन को स्थगित नहीं किया। ये उनकी लगनशीलता, जुझारूपन और दायित्व और कर्मठता का जीता जागता उदाहरण है। मैं उनके इस जज्बे और लेखन धर्मिता को प्रणाम करती हूँ। अलका जी ने उनकी संपादित हर कृति को लेकर उसकी सूक्ष्म विवेचना और व्याख्या की है और उसको बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। विद्या दीदी साहित्य से इतर लोक साहित्य की भी प्रणेता रही हैं। अवधि लोक साहित्य की तो वो खान है, न जाने कितनी कहानियां, उपन्यास और लोक संस्कृति से जुड़ी पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। उन्होंने समाप्त होती परंपराओं और आस्थाओं को सहेजने का बहुत सुंदर कार्य किया है। उनके निबंध भी स्वयं में सांस्कृतिक विरासत को थामे हुए हैं। संपादन कृति का, संरक्षण संस्कृति का, इस शीर्षक से अलका जी ने उनके निबंधों पर प्रकाश डाला है और हर निबंध का बहुत सूक्ष्म अवलोकन करके बहुत सुंदर विस्तृत वर्णन किया है। अलका जी ने उनके हर विषय से संबंधित निबंधों को अपने विवेक से जिस प्रकार प्रस्तुत किया है वह प्रशंसनीय है। इन निबंधों के बाद तुम्हारे चरण माँ, नटखट श्याम गोपाल, कितने रूपों में आते हो, इन कविताओं द्वारा अलका जी ने इस पुस्तक का समापन किया है। अमिता जी ने जहाँ सात्विक लेकर भाव लेकर पुस्तक का आरंभ किया, वहीं उस सात्विकता को अलका जी ने अंत तक बनाकर रखा। हो भी क्यों ना, जब रचनाकार विद्या दीदी जैसा हो तो सात्विकता स्वतः वरण कर लेती है। इस तरह यह पुस्तक देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर की तर्ज पर विद्या दीदी के विशाल रचना साहित्य को साधने का एक सफल प्रयास है। हालांकि जैसे सागर को मुट्ठी में नहीं बांध सकते, उसी तरह विद्या दीदी के साहित्य और लेखन को एक पुस्तक में तो क्या कुछ पुस्तकों में भी हम नहीं समेट सकते। ऐसी विदुषी, कर्मठ, ममतामयी और विशाल हृदय दीदी के विषय में कुछ कह सकूं यह योग्यता मुझ में नहीं, परंतु ऋषिका की भांति तप करने वाली दीदी ने हमें अपना वात्सल और प्रेरणा दी है। उस ऋण की आंशिक निष्कृति हो सके इसलिए मैं कुछ कहने का साहस कर सकी और इसके लिए मुझे अमिता जी और अलका जी ने जो अवसर प्रदान किया उसके लिए मैं उनकी ऋणी हूँ। अंत में मैं उनके अमृत वर्ष जो मना रहे हैं उसमें ये विश्वास दिलाती हूँ कि दीदी के अभी लेखी रुकेगी नहीं, निरंतर गतिमान रहेगी और बहुत सारी आगे कुछ आई रही है और बहुत सारी किताबें आएंगी। कालजयी कृतित्व को देने वाली आदरणीय विद्या दीदी, अवधि साहित्य, लोक साहित्य, कहानी, उपन्यास,
आध्यात्मिक साहित्य की विभिन्न विधा की वो वृक्ष हैं जो युग युग तक हम सबका आधार बनेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राजुल जी जो बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं और अपने जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं उन सभी को मैं प्रणाम करती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर करुणा पांडे जी, बहुत सुंदर आपकी समीक्षा। और एक बात जो बराबर मुझे आप सभी पितृजनों के वक्तव्य में सुनने को मिल रही थी, जैसे कि आदरणीय डॉक्टर भारती सिंह जी ने भी कहा, फिर डॉक्टर करुणा पांडे जी ने भी कहा वट वृक्ष, और एक संयोग ही था कि डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह को मैं लखनऊ में अपनी मम्मी के जरिए से जानती हूँ और ये जानती हूँ उनके मुंह से कई बार नाम सुना है उनका और बहुत आदर के साथ सभी उनका नाम लेते हैं जब भी कोई बात होती है। तो आज जब ये था कि कार्यक्रम है तो मुझे लगा कि मैं उनको कुछ बधाई दूं और कुछ अलग तरीके से बधाई दूं, तो शायद उन्होंने भी व्हाट्सएप पे पढ़ा नहीं है, मैंने उनके लिए चार पंक्तियां लिखी थी और ये संयोग ही था कि ये इन चार पंक्तियों में मैंने उन्हें वटवृक्ष ही कहा था। मैं ये पढ़ रही हूँ यहाँ पर। दूर से भी लगती भली, दूर से भी लगती भली सघन छांव वटकी, दूर से भी लगती भली सघन छांव वटकी, त्रिषित को जो तृप्त करे शीतलता घटकी, गरिमामयी शांत सरल जिनकी मुस्कान, गरिमामयी शांत सरल जिनकी मुस्कान, बोले तो लगे जो दुलार भरी थपकी। हमेशा ऐसे दुलारती हुई लगती है कि मन एकदम भर जाता है, एकदम ऐसा लगता है जैसे सामने कोई ऐसा खड़ा है अपना सा जिसे जाकर लिपट सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। तो ऐसे ही आदरणीय डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी को मैं अब आमंत्रित कर रही हूँ, उनसे अनुरोध कर रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ, हम सभी उनके आशीर्वचनों की प्रतीक्षा में हैं। आदरणीय डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी, आदरणीय बीच में टोकने के लिए क्षमा चाहते हैं, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, कट रही है बहुत ज्यादा, या तो आप पास आ माइक पास कर लीजिए थोड़ा जी, माइक के पास आ जाए तो अच्छा। हेलो, हाँ आ रही है आवाज, आ रही है जी, अब आ रही जी, आई आई है। तो मैं तो पहले धन्यवाद देना चाहूंगी प्यारी बहनों, अमिता उन्होंने कुछ चार मुझे बिना किसी सूचना के ऐसा था कि लोग सदैव करते हैं बुराई के लिए, लेकिन ये सदयंत्र है ये। और मैं सामने तो बोलने बैठी हूँ तो ऐसा लग रहा है कि इतने कम समय में उन दोनों बहनों ने कहाँ कहाँ से सामग्री दी थी, जो सामग्री है इससे वो मैं तुरंत भूल गई थी कि मैंने इसे लिखा है, आपको मुझे याद है। तो मैं बात कर रही थी जो समय सम्राट, समय सम्राट जब जिन राजपत्नी के रूप में गुजरता है उन्हें हम कृपया चुनौता में घिरना चाहते हैं, और ये झुकियाँ जब हमारे शरीर पर हमारे चेहरे पर आती हैं तो गौरव क्यों मन में होता है कि हाँ हम सहाने हो गए और हम तो छोटे है उम्र में, भले कि
भाई लोग छोटे हैं लेकिन हमसे ज्यादा तेजस्वी लिख रहे हैं, हमसे ज्यादा अच्छी बातें कर रहे हैं, हमसे ज्यादा तो बहुत कुछ कर रहे हैं जो हमें हमारी आशा है, जो हम आगे की अपनी पीढ़ी से उम्मीद करते हैं। हम अपने वरिष्ठ पत्रकारों से आदर भाव रखते हैं, जैसे कुछ हमारे समकालीन हैं जो हमसे वय में छोटे हैं, उनके प्रति हमारा दायित्व हमें याद चाहते हैं कि आप बड़े हो और जो कुछ सुनते हैं या उनका पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हमारी ही बात को तो राज्य में माँ का नाम लिया और मेरी बहन की पिता है मैं बिल्कुल मौसी हुई। हम लोग रमना जी और हम बहुत यात्राएं हमने साथ की, अगलिया साथ शर्मा जी के साथ घर पे हम और रमना जी जाते थे होती वहाँ मुझे शादी में समारोह हुआ होते हम लोग एक साथ रुके लगता है कि आदमी अकेला है, हमारी हमारे साथ इतना बड़ा हम आपका सरकार है आप नेता का है जो रक्त संबंध इतनी बड़ा है ये नेता है हारने नहीं हटने नहीं और आने के बाद तरह का आदर प्रेम मिले इस तरह का आदर मिले आपको करना है याद दिलाने के लिए पुस्तक लिखी गई है। मेरी बहनों ने कंगना ने और भारती ने अचानक शायद संपर्क कट गया है उनका और शायद फिर जुड़ रही हैं, कोशिश कर रही हैं। हाँ, कोशिश कर रही हैं। आवाज बहुत अच्छी रही है दीदी। हाँ वो फोन आ जा रहा है और शायद उसकी वजह से बार बार उनका संपर्क कटा जा रहा है। हम प्रतीक्षा रहते हैं कि वो फिर से आए। जी आ रही है। कृतज्ञता व्यक्त करूं कि अपने को धन्यवाद देना मेरे अपने हैं आप लोग, आप लोगों ने इतना बड़ा आयोजन किया। मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाती थी, 10 जुलाई में उसी साथ करती थी, उनके जाने के बाद से मैंने जन्मदिन नहीं मनाया था।
और मेरे बारे में इतना इश्तहार सिखाने के लिए मुझे और आप लोगों ने जो कुछ लिखा है लिख रहे हैं तमाम के लिए आप प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचे हम लोग लिखना था करना था कर आप आने वाली पीढ़ी की आगे वाली पीढ़ी की और नई पीढ़ी ये महसूस करें कि साहित्य और भाषा का संस्कार कितना कुछ दे सकते हमारी आज की पीढ़ी जो अपनी संस्कृति से भूल रही है अपनी भाषा के प्रति इसका गौरव जो समाप्त हो रहा है उसे आप लोग जगाने में सक्षम रहे बहन प्रमिला भारती जी को धन्यवाद भाई संजीव जी को और मैं इस समय किसी को देख नहीं पा रही हूँ और कौन कौन लोग जुड़े हैं जो लोग भी संस्था जुड़े हैं अशोक जी और जिनके नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ जो पटल पर विद्यमान है जो दर्शक अगर ये अजीब पूरी दिखा दीजिए मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ मैं दवाजी लेट रही लेकिन इतना आदर उन्होंने दिया इतना प्रेम दिया कि मेरे लिए बहुत बड़ा संदेश उनकी लेखने में जो ताकत है उसी तरह बढ़ती रहे आप सब निरंतर इसी तरह लिखते रहें पढ़ते रहें और अपने वरिष्ठ जनों का इस तरह जिनको लोग इसे संकोच से अपनी बात नहीं कह पाते अमिता ने शुरू किया है जो भाई अजय प्रवीण जी पर लिखा शंभुनाथ जी पर लिखा और इस तरह का जो एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं इस दिशा में अगर काम हो रहा है आगे आने वाली पीढ़ी उससे प्रेरणा ग्रहण करेगी हम लोग भी चाहते हुए भी अपने वरिष्ठ जनों के बारे में इतना नहीं लिख सकते तो ऐसे प्रेरक बने रहे आप लोग मेरी शुभकामना है मेरा आशीर्वाद है और इस तरह के अवसर जीवन को एक लगता है आगे जीना चाहिए एक दिन और जी सकते हैं आप लोग इस तरह शक्ति देते रहे मैं सबके हृदय से आशीर्वाद दे रही हूँ आज मन बहुत भावुक हो ज्यादा नहीं कर पाऊंगा मेरा बहुत विशिष्ट है आपका होना और आपका कुछ कहना और आपको सुनना ये सब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए और धन्यवाद क्या हम चरण स्पर्श कर रहे हैं आपके और बहुत बहुत आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे बस हमारी यही प्रार्थना है ईश्वर से अब मैं आदरणीय डॉक्टर अमिता दुबे जी से निवेदन करूंगी कि वो लेखकीय वक्तव्य दें और आज के इस कार्यक्रम की को समापन की ओर ले चलें क्योंकि बहुत धन्यवाद माँ भीना पर हो गया है और शायद इस समय कोई भी कुछ और कुछ बोलने के उसमें नहीं बहुत बहुत धन्यवाद राजुल मैं बहुत इस समय जैसे दीदी भावुक हो रही हैं उससे कम भावुकता मन में नहीं आ रही है
इस पुस्तक को लिखते समय, इस पुस्तक का पर काम करते समय अविरल सक्रिय सर्जक डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह के पक्ष पर काम करते समय अनेक ऐसे पल मेरे लेखन के मध्य आए जब मुझे लगा कि इन प्रसंगों को तो और विस्तार देना चाहिए और लेखनी स्वयं मौन होती चली गई, क्योंकि कभी कभी हमारे मन की जो संवेदनाएं होती हैं, हमारे मन की जो भावनाएं होती हैं और जो हमारे मन का कोमल पक्ष होता है वो शब्दों से परे होता है। डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी से मेरा परिचय बहुत पुराना है। मैंने 16 नवंबर 1992 में हिंदी संस्थान में अपना कार्यभार ग्रहण किया। उस समय डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी उपनिदेशक के पद पर आसीन थी और उनके संबंध में मैंने पहले से भी सुन रखा था, क्योंकि साहित्य और लेखनी से संपर्क होने के कारण डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह को जानने समझने का अवसर मिलेगा हिंदी संस्थान में आने पर, ये मेरा सौभाग्य बना। और यही मेरी सोच भी थी कि आपके मार्गदर्शन में, आपके सानिध्य में बहुत कुछ आगे जाने का संयोग बनेगा, ये मेरा विश्वास था और आपने उस विश्वास को और दृढ़ता प्रदान की। मैं एक बात आपसे जुड़े संदर्भ में कहती हूँ कि जब मैं कार्यालय में आई तो महिला कर्मचारियों की संख्या जैसे अन्य कार्यालयों में होती है पुरुष कर्मचारियों के अपेक्षा कम रहती है और उनके प्रति लोगों का भाव भी उतना सकारात्मक नहीं रहता। डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी के बारे में सब लोग यही कहते थे कि ये तो महिलाओं की संरक्षक हैं, बाहरी भी और जो अन्य लोग कार्यालय में आते थे वे भी और कार्यालय के सभी पुरुष सहयोगी विशेषकर। तो दीदी हमेशा ये कहती थी क्यों ना हूँ, ये तो सब मेरी बहनें हैं और अब मैं सबकी बड़ी बहन हूँ तो मैं बड़ी बहन के नाते भी और एक स्त्री होने के नाते अगर मैं महिलाओं का पक्ष लेती हूँ तो क्या बुरा करती हूँ। और उनकी यही दृढ़ आस्था, दृढ़ विश्वास कि किसी भी घर की नींव स्त्री होती है और जब स्त्री एक घर अच्छे से संभाल सकती है तो वो जहाँ काम करेगी वहाँ का वातावरण भी बहुत मोहक बनाएगी और उसी के अनुसार समाज को भी मोहकता प्रदान करेगी। संस्कार रूप में, बीज रूप में मेरे अंदर स्थापित हुआ और मैं आज जो कुछ भी आप सबकी प्रशंसा की पात्र बनती हूँ तो उसमें डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह के व्यक्तित्व का बहुत गहरा प्रभाव है। मैं आज उस दिन को भी याद कर रही हूँ जब मेरी पहली पुस्तक, दो पुस्तकें एक साथ प्रकाशित हुई थी, छायावादी काव्य पथिक महादेवी और निराला और कहानी संग्रह पाषाणी, जिसका लोकार्पण मुझे याद है 2 दिसंबर की बहुत ठंड भरी रात थी और लखनऊ महोत्सव का कवि सम्मेलन था। आदरणीय केशिनाथ त्रिपाठी जी विधानसभा अध्यक्ष माननीय और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में प्रथम आयोजन के रूप में आचार्य विष्णुकांत शास्त्री जी का शुभागमन और मेरी 2 कृतियों के लोकार्पण का संयोग। इसमें डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी का विशेष योगदान रहा और जब मुझे पुस्तक लेके जाना था मंच पर
तो मेरे हाथ पैर सब कांप रहे थे, और दीदी का जो स्नेहिल स्पर्श था कि अभी आगे बढ़ो और आगे जाना है, वो स्नेहिल स्पर्श आज भी अनुभव होता है। तो दीदी आपके विषय में जो भी हम थोड़ा कर सके, थोड़े समय में जो भी लिख सके, उससे मन तो नहीं भरा लेकिन एक भावांजलि है। और मैं, जैसे आपने अभी कहा कि डॉक्टर योगेश प्रवीण पर मेरी पुस्तक आई, डॉक्टर शंभुनाथ जी पर आई, तो डॉक्टर योगेश प्रवीण जी के 81वें जन्म दिवस पर वो पुस्तक लोकार्पित हुई थी। और जो उनके जन्म दिवस का जो आयोजन था, उनके चेहरे का जो उल्लास था, जो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई 8 साल का बच्चा अपना जन्म दिवस मना रहा हो, 81 वर्ष की अवस्था वाले योगेश प्रवीण जी के चेहरे पर वो भाव था, वो भाव आज भी आंखों में बसा है। और आज सुबह भारती और करुणा जी और अलका, आप सब भी साक्षी हैं इस बात की, कि और अन्य लोग भी थे जो वहां उपस्थित थे, डॉक्टर विद्याबिंदु सिंह जी के चेहरे का भी जो भाव था, जो उत्सव था, उत्सव धर्मिता है आपकी, जो आपके उल्लास का भाव था, वो आंखों में आज भी भर गया है। अगर ये कोरोना संकट नहीं होता, और यद्यपि समारोह आयोजित करने की सरकार की ओर से अनुमति है, लेकिन मैंने और अलका प्रमोद ने ये तय किया कि हम लोग अपने कारण, अपने उत्सव को सफल बनाने के कारण दीदी के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं करेंगे। और आपको, यद्यपि हमारा हॉल बुक था, प्रेस क्लब बुक था, बहुत पहले से बुक था, लेकिन हम लोग आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते थे, और ऐसा कोई भी क्षण अपने जीवन में नहीं लाना चाहते थे कि हमें जीवन भर ये पछतावा होता कि अपने उत्सव के लिए, अपने उल्लास के लिए हमने, नहीं आ रही अमिता आपकी आवाज, नहीं आ रही, अच्छा, अपने उल्लास और अपने उत्सव के लिए हमने दीदी के स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता किया, इसलिए ये कार्यक्रम आज इस प्रकार संपन्न हुआ। भविष्य में साहित्य आराधन का जब कोई आयोजन होगा, हम, जैसा कि अलका प्रमोद जी ने बताया कि हम निकट भविष्य में साहित्य आराधन की ओर से जिन का सम्मान होना है उनको सम्मानित कर स्वयं गौरवान्वित होंगे, उस समय डॉक्टर विद्याबिंदु सिंह जी को, जिन्हें आज मैंने मेरे पिता की स्मृति में कुछ अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया है, श्री कृष्ण कुमार अनिल स्मृति साहित्य आराधन सम्मान 2021 देकर, उन्हें हम क्या सम्मानित करेंगे, हम स्वयं गौरवान्वित हुए हैं, उनका आशीर्वाद हम उस समारोह में प्राप्त कर सकें। और ये कोरोना की जो तीसरी लहर है वो भारत की सीमा को छूकर निकल जाए, यही शुभकामना है, और हम सबकी रचना धर्मिता इसी प्रकार दीदी की, जैसे वट वृक्ष कहा, राजुल ने भी कहा, करुणा जी ने भी कहा, भारती ने भी कहा, अलका ने भी कहा, और हम ही, हम सबने ही नहीं, उन सबने भी कहा जिन्होंने, किसी ने मन में कहा होगा, किसी ने शब्दों को पिरोया होगा, लेकिन जिसने कहीं से भी डॉक्टर विद्याबिंदु सिंह का स्नेह प्राप्त किया है, उनके सानिध्य में आया है, उसको ये भाव मिलता है कि हम एक ऐसे वट वृक्ष के नीचे हैं जो, जिसके सानिध्य में गाय को भी छाया मिलती है, और कटीले तारों वाले वृक्ष, जो जाल वाले वृक्ष होते हैं, कटीले तारों वाले वृक्ष होते हैं,
उनको भी छाया मिलती है। ऐसे ही विराट व्यक्तित्व को नमन करने का मन है और उनसे प्रेरणा लेने का मन है। आज जैसे हम सब बात कर रहे थे कि दीदी की 118 पुस्तकें प्रकाशित हैं, कितना बृहद रचना संसार है और कितना अनुभव जनित रचना संसार है आपका। इस संसार में, इस समाज में रहने का अनुभव तो हम सबके पास है, लेकिन अपने को अभिव्यक्त करने का अनुभव, अपने को स्पष्ट करने का अनुभव, अपनी बातों को अपने शब्दों में पिरोकर दूसरे के मन तक उतार देने का अनुभव जिसके पास हो, ऐसी लेखनी को प्रणाम। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि हम लोग दीदी का 100वां वर्ष भी इसी प्रकार मनाएं और जो ये छोटी सी पुस्तक आज आई है उससे मन तो नहीं भरा, मेरा भी नहीं भरा, दीदी का भी नहीं भरेगा, अलका का भी नहीं भरा है, तो हम आपके रचना संसार को और विस्तार से जाने समझें और उसे शब्द रूप दें, यही शुभाकांक्षा भी है। और दीदी मुझे पता है कि आपने हमेशा हमारे जीजा जी के जन्म उत्सव को मनाया है और आज आप इस कारण और भी भावुक हैं, लेकिन हम सभी छोटी बहनों को इतना अधिकार है कि हम अपनी बड़ी बहन का जन्मदिन अपने अनुसार मनाएं, तो इसलिए आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 10 जुलाई को जब हम हमारे जीजा जी का जन्मदिन मनाने के लिए एकत्रित होंगे तो उसी में आपका जन्मदिन पुनः मनेगा जैसा हर बार मनता है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने इतनी, आज सुबह से आपकी बहुत व्यस्तता है मैं जानती हूँ, कई आयोजन हैं, और आपने फिर भी इतना समय इस कार्यक्रम के लिए दिया और आप इसी प्रकार स्वस्थ रहें और हम लोगों को प्रेरणा देती रहें नए नए तकनीकी से जुड़ के और किस प्रकार साहित्य, लोक और संस्कृति का संरक्षण किया जा सकता है ये सीखना हो तो हमें डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी के संरक्षण में जाना है और हम निश्चित रूप से जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि साहित्य आराधन की ओर से प्रत्येक वर्ष एक बाल मनोविज्ञान पर केंद्रित या बाल साहित्य को दृष्टिगत रखते हुए एक पुस्तक प्रकाशित करने की योजना बन रही है। आप सबका सहयोग और सानिध्य मिलेगा ये विश्वास है और शीघ्र ही हम एक संपादक मंडल के साथ इस पर बात करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि बाल मनोविज्ञान को केंद्र में रखकर जो रचनाएं लिखी जाती हैं वे हम जैसे प्रबुद्ध लोगों के लिए, आप जैसे प्रबुद्ध लोगों के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि जब हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे अपने बचपन की ओर लौटते जाते हैं, तो अपने बचपन में लौटना अपने जीवन को सरस बनाना है, इस विश्वास के साथ हम प्रयास करेंगे कि साहित्य आराधन से बाल साहित्य को केंद्रित कोई पुस्तक हम प्रकाशित करें। और इसमें ये सहयोगी संकलन होगा जिसमें हम सभी एक अपनी अपनी कहानियों के साथ, कविताओं के साथ अभी रूपरेखा बनाएंगे। पहला संकलन विश्वास की कहानियों पर केंद्रित होगा। इस बात के साथ मैं डॉक्टर विद्या मिथुन सिंह जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। भारती जी, करुणा जी, अलका जी, राजुल, सबको बहुत धन्यवाद देती हूँ और अशोक हमराही जी को भी
जो इस समय पटल पर निश्चित रूप से नहीं है, लेकिन उनका सहयोग कहाँ कहाँ हमें मिलता है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। आलोक जी को भी धन्यवाद, आज उन्होंने अपनी व्यस्ततम सेवाओं से आज का दिन अवकाश का लिया, मेरे इस हमारे इस आयोजन में सम्मिलित हुए और उनकी उपस्थिति से। हाँ दीदी, कुछ कह रही हैं? हाँ, संगीता जी के लिए भी मैं कह रही हूँ। हाँ, और जी संगीता, सबसे पहले इस कार्यक्रम की दिक्कत हो रही है, पूरी बात हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जितना भी सुना बहुत ही प्रभावी रहा, मैं बहुत आभारी हूँ आपसे जी। मैं संगीता शुक्ला जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। सबसे पहली बार मेरी बात जो इस कार्यक्रम को लेकर हुई वो संगीता जी से ही हुई थी और उन्होंने बहुत सहज स्वीकृति दी और बहुत सुंदर प्रस्तुति भी की, हमारे मनोभावों को आपने अपने गीत के माध्यम से प्रस्तुत किया, आपके प्रति भी बहुत आभार। उन सबके प्रति भी हम बहुत आभारी हैं जो हमारे इस पटल पर जुड़े, और राजुल जी इस कार्यक्रम को लाइव करती हैं और बाद में ये फेसबुक पर बात देखा भी जाता रहता है। आप सबका स्नेह और जो सद्भाव है हमें इसी प्रकार मिलता रहे, यही विश्वास है और यही आशा भी है, क्योंकि जब हम चलते हैं तो अकेले होते हैं और जब हम अगला कदम बढ़ाते हैं तो हमारे साथ अनेक पग चल पड़ते हैं। तो इसी भावना के साथ मैं बताना चाहती हूँ कि अभी 4 जुलाई को अलका प्रमोद जी की उपन्यास का लोकार्पण इसी मंच से होगा, जागृत उद्घोष, जो स्वामी विवेकानंद जी के जीवन चरित्र पर आधारित है, उसमें भी हम सब इसी प्रकार पुनः मिलेंगे। इस भावना को नमन और इस उत्साह के साथ हम एक दूसरे के वो इसी प्रकार आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद राजुल, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रकाशक के मंच को प्रणाम। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, और आज का ये दिन बेहद खास है मेरे लिए, खास बन गया मेरे लिए, सबका लोकार्पण और फिर आप सबका मिलना और आप सबकी बातें सुनना, ये एक ऐसी धरोहर है जिसे मैंने बहुत सहेज के गठिया लिया है, और बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर राजू, सबसे बड़ा धन्यवाद नेट को जिसने ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया। हाँ, ये बाधा नहीं उत्पन्न हुई। हाँ, नेट को बहुत बहुत धन्यवाद की, और ऐसे ही सुचारू रूप से ये कार्यक्रम चलता रहा और बहुत आनंद आया। हम लोग एक बार फिर से आपको बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं आदरणीय, और ईश्वर करे कि आपका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहे और आपका स्नेह हमेशा, जो जिसकी एक जरा सी झलक मुझे मिली और मुझे वो उतनी अपनी सी लगी कि मुझे लगा कि बस अब दौड़ के इनके पास जाके बैठ ही जाएं। तो ये सब जो आपके सानिध्य में इतने वर्ष गुजार चुके हैं, उनको कैसा अनुभव होता होगा, ये मुझे सहज ही लगा कि अनुभव हो गया मुझे इस बात का कि ये लोग कितने भरे भरे होंगे। मुझे तो वो जरा सी एक बूंद भी मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसी तरह से आपका ये स्नेह मिलता रहे। इन्हीं के साथ अब आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम दे रहे हैं। जैसा कि अभी अमिता जी ने बताया कि 4 तारीख को अलका प्रमोद जी के उपन्यास का विमोचन भी इसी उस पर होगा, इसी पटल पर होगा लोकार्पण। आप तो सबसे हमारा अनुरोध है कि अवश्य जुड़िएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर अमिता दुबे, अमिता प्रमोद जी को, आदरणीय डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी को, डॉक्टर भारती सिंह जी को, डॉक्टर करुणा पांडे जी को, डॉक्टर संगीता शुक्ला जी को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।
मैं एक धन्यवाद और दे दूं शशिकांत गोपाल जी को, जिनके हाँ जिनके कारण से आज हम लोग बहुत सारे आयोजनों को इतनी सफलता पूर्वक संपन्न कर सके। और दीदी के चेहरे पे जो उल्लास जो हंसी दिख रही है वो उसका एक कारण शशिकांत गोपाल जी भी हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे जो बीच बीच की बाधाएं थी उनको दूर करने में मदद की, और हम उनके प्रति भी बहुत बहुत आभारी हैं। लगे भी रहे इतनी देर से नेट पे दीदी के साथ लगे हुए हैं। हाँ बहुत बहुत बड़ी बात है, और ऐसा ये इनको हम लोग कभी कभी हनुमान भी कहते हैं, जिस प्रकार राम के का कोई काम हनुमान के बिना पूरा नहीं होता, इसी प्रकार श्री राम जी के सहायक के रूप में हनुमान जी हैं, तो ये हम सबके सहायक हैं। हम लोग राम जी नहीं है लेकिन ये हनुमान जी हैं। ये हनुमान जी जरूर है। तो बहुत बहुत बधाई। शिखर शिखर पुरुष कहा है इनको मैंने भैया। चलिए नमस्कार। चलिए।